AEPS कैसे करते हैं उसका है ये वीडियो, आप कमांड टाइप करिए CAEPS। हाँ ओके, इसमें नो पे क्लिक करना है आपको, मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर 8059338333। ये कोई भी नंबर हो सकता है, रजिस्टर्ड नंबर होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें OTP आएगा, बस यहाँ पर नाम डाल दिएगा कस्टमर का, जेनरेट OTP, ये ज़रूरी आपको कंफर्म करना है। बंदे का डिटेल्स कोई भी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, पैन कार्ड, नरेगा, जॉब कार्ड, ओके करिए। अब OTP आएगा 115, ठीक है, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, ओके ठीक है। अब फंक्शन है इसमें, आप अभी फ़िलहाल कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट ले सकते हैं, ट्रांजैक्शन इंक्वायरी, हम कैश विड्रॉल करेंगे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कैश विड्रॉल, यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे कस्टमर का, नहीं है पैसे की, आधार नंबर है डालो, 8859, ठीक है। उसके बाद हमें सर्चर पे जाना है, ओके IIN के सर्चर पे जाना है, यहाँ पर ये बोलेगा प्लीज़ फिल इनिशियल डिटेल्स ऑफ बैंक नेम, ID, जहाँ पर भी सब्सिडी आती है या फिर सीडिंग है वो डालना है, यहाँ पर सिर्फ 3 अक्षर डालिए और फिर सर्चर पे क्लिक करिए। सर्चर पे क्लिक, ऐसी स्क्रीन आती है, आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा ब्लू वाले, ओके। आप अमाउंट डालिए जितना ले सकते हैं, 10,000 से कम ही डालिए फिलहाल, और आई हियर बाई गिव माई कंसेंट टू ऑब्टेन माई, इस डब्बे पे क्लिक करना है आपको। कैप्चर फिंगरप्रिंट करने हैं, इस पे क्लिक करो और फिंगरप्रिंट ले करके इसके बाद ऐसा मैसेज आएगा कि फिंगरप्रिंट कैप्चर सक्सेसफुली, पे क्लिक करना है, गो पे ही क्लिक करना है, लेफ्ट वाले गो, ठीक है।